कर्जत का वड़ापाव फेमस होता है, पता है ना? नेक्स्ट टाइम कर्जत या इस एरिया में आओगे ना, ब्रेकफास्ट के लिए बिंदास वड़ा पाव ऑर्डर कर दो किसी भी होटल में। वड़ा पाव को यहाँ पे ख़राब नहीं मिल सकता, स्पेशलिटी है कर्जत की। वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन वंस अगेन टू आवर चैनल। यू आर वॉचिंग काउंटिंग किलोमीटर्स। इफ दिस इज योर फर्स्ट टाइम हियर, वी इनवाइट यू टू जॉइन आर जर्नी कॉल्ड ट्रैवल लाइफ। यू कैन डू दैट बाय सिंपली क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी ऑफ आवर फ्यूचर वीडियोज। एंड टू कीप इन टच विद अस रियल टाइम, यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। द हैंडल्स आर फ्लैशिंग राइट डाउन हियर। सो आज का ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, लेकिन आई होप यू रिमेंबर लास्ट वीक हमने जो ब्लॉग पोस्ट किया था वो आउट ऑफ शेड्यूल जाके पोस्ट किया था। संडे 2 PM हम लोग ब्लॉग पोस्ट करते हैं, बट लास्ट ब्लॉग जो है फ्राइडे इवनिंग को पोस्ट किया था। एंड आई हैड सेड दैट देयर इज सम स्पेशल रीज़न फॉर दैट, सो वो भी बताऊंगा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। ये ब्लॉग पूरा देखो, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल गेट टू नो व्हाई द शेड्यूल वॉज ब्रोकन। सो गाइज, निकल चुके हैं एक और ट्रैक के लिए। इट्स वन मोर ट्रैक विच इज़ अ काइंड ऑफ ऑफबीट, कोई फोर्ट नहीं है, इट्स अ केव्स। और अगेन मुंबई से बहुत नज़दीक, मैंने अभी गूगल पे चेक किया था, थाने से एग्जैक्टली 80 किलोमीटर्स है ट्रैक का बेस विलेज। सो आज की अपनी सवारी ये है, दो होंडा एक्टिवा। बेस विलेज पे पहुंचेंगे और फिर बताता हूँ ट्रिक के बारे में क्या है। ब्रेकफास्ट करके निकले और हार्डली 10 किलोमीटर में ऐसे ही नज़र पड़ी, रास्ते के साइड में कुछ खास दिखा, तो सोचा यार ये तो दिखाना ही पड़ेगा। हैव अ लुक एट दिस, इसको कैसे मिस कर सकते हैं। एंड सी दैट्स द रोड, सी द बाइक गोइंग। वहाँ से हम लोग जा रहे थे एंड सडनली राइट साइड में नज़र गई एंड दिस वॉज द व्यू। गाइज, वी हैव रीच दिस बेस विलेज। अभी फाइनली मैं बताता हूँ आपको, वी आर हियर फॉर अ ट्रैक टू केव्स विच आर कॉल्ड एज गणपति गड़द। इट्स नियर मुरबाड, भीमाशंकर के रेंज में। मुरबाड से तकरीबन 35-40 किलोमीटर्स अंदर आने के बाद ये गांव है। दिस गांव इज़ कॉल्ड पड़ू सोनावड़े। पड़ू सोनावड़े गांव तक बाइक्स या कार्स आ सकती है। यहाँ पे हमने इनके घर में गाड़ी लगा दी है। इट इज़ अराउंड 2 hours ऑफ ट्रैक। लेट्स सी हमें कितना टाइम लगता है। रेडी? चलो चलो, लेट्स रॉक। द इनिशियल पार्ट ऑफ दिस ट्रैक इज क्वाइट कंफ्यूजिंग। अभी गांव में से निकलने के बाद बहुत से लोगों ने बताया, पीपल आर वेरी कोऑपरेटिव, दे आर गाइडिंग अस, यहाँ से जाना है, वहाँ से नहीं जाना है, दे आर टेलिंग अस ऑल द रूट्स। सो एज फार एज दे टोल्ड अस, गांव से निकलने के बाद ये सीधा रूट आता है। इनफैक्ट दिस इज़ नॉट सीधा रूट, बीच में एक जगह पे 3 रूट्स गए थे जिसमें से राइट मोस्ट रूट लिया, फिर ये स्ट्रीम क्रॉस करने के बाद आगे जाके लेफ्ट लेना है और फिर आगे जाके राइट लेना है शायद। ऑलमोस्ट 15 मिनट्स इन द स्टार्ट एंड वी आर स्टिल वॉकिंग ऑन द प्लेन रोड्स। ट्रेल है बना हुआ, अभी तक पहाड़ के पास नहीं पहुँचे, बट आई कैन शो यू द केव्स फ्रॉम हियर, clearly visible. See, that's where we have to go today. As it seems our assumption is right, कोई नहीं है पूरे ट्रैक में, most probably हम दोनों ही है। Now the trail is through the dense jungle, और अच्छा खासा ascent भी है। See, वहाँ से नीचे से आए हम लोग, अभी मतलब चढ़ाई भी चालू हो चुकी है। बट आज का मौसम बहुत ख़राब है, मतलब धूप बिल्कुल नहीं है लेकिन हवा भी नहीं चल रही है, सो पसीना इतना आ रहा है ना, बहुत जल्दी डिहाइड्रेट हो रहा है। मैडम का चौथा पांचवा हॉल्ट है शायद,
हर 10 मिनट में रुकना है. दिस इज़ द सेकेंड वाटरफॉल दैट वी क्रॉस ऑन द रूट और सेकेंड स्ट्रीम यू कैन से. एंड राइट आफ्टर द सेकेंड स्ट्रीम यू कैन सी द रोड, द ट्रेल इज़ गोइंग स्ट्रेट डाउन. लेकिन यहाँ पे एक पेड़ पे रेड कलर एरो मार्क किया हुआ है एंड वी हैव टू टेक दिस स्मॉल पगडंडी. अगर आप यहाँ से सीधा निकल जाएंगे तो यू विल नेवर रीच द केव्स. हमें यहाँ जाना है एंड ओनली दिस आई विल शो यू. इस एक पेड़ पे दो तीन कलर एरो मार्क किए हुए हैं. दैट्स द ओनली साइन ओवर हियर. सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइक द पॉइंट्स वेयर यू कैन गेट लॉस्ट इन द जंगल्स. अब असली ट्रैक का फीलिंग आ रहा है. वो जो लास्ट वाला टर्न लिया पेड़ के पास से, उसके बाद अचानक से इट स्टार्टेड टू फील लाइक वी आर ऑन अ डिफरेंट ट्रैक ऑल टुगेदर. उससे पहले कुछ अलग ही था, उसके बाद अभी ये एक्चुअली सह्याद्री में कोई ट्रैक कर रहा है ऐसा लग रहा है. दिस लास्ट 100-200 मीटर्स इज स्टीप लाइक हेल. मतलब पिछले एक डेढ़ घंटे में जितना आराम से ट्रैक हो रहा था ना, हंसते खेलते ऐसा लग रहा था यार बहुत मज़ा आ रहा है, मस्त ट्रैक है. लास्ट 15-20 मिनट्स में जो हालत हुई है और स्टीप, मतलब ये देखो ये सीधा ऐसे चढ़ के जाना है और पिछले ऑलमोस्ट 15 मिनट से ऐसे ही चढ़े जा रहे हैं. सो दिस इज द लास्ट चैलेंज. और इसके बाद दिखेगा द फाइनल डेस्टिनेशन. देयर यू गो, वी हैव रीच्ड. दैट्स द फर्स्ट केव्स एंड दीज आर ऑल द केव्स. तो यहाँ पे ऊपर केव के अंदर गणेश जी का मंदिर है. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज गणपति गड़द केव्स. देखेंगे केव्स में जाके. स्टोन कार्व्ड स्टेप्स है यहाँ पे. अबे गणेश जी का मंदिर था, देवी कहाँ से आ गई? दरवाजे में ही बंद करके रखा है मंदिर. चलो भी अंदर. वी हैव रीच्ड दिस गणपति गड़द केव्स. टाइम इज 1:33 राइट नाउ. 11:30 बजे चालू किया था, एक्सैक्टली 1:30 बजे. मतलब फील्स प्राउड. ट्रैक का जो अंदाज़ा लगाया था नीचे से देख के वो एक्यूरेट था. एक्सैक्टली 2 आवर्स. केव्स के बारे में बात करेंगे, केव्स एक्सप्लोर करेंगे, सब दिखाऊंगा. लेकिन उससे पहले काउंटिंग किलोमीटर्स की तरफ से चंदू, उमेश, कौन है ये, गुरु, सोनू शायद, रुपेश, दया और ये जो भी महान लोग हैं इन सबको सलामी. यहाँ पे आके इतनी मेहनत से डेकोरेट करने के लिए ये मंदिर है.
और यहाँ पे भूख जला के लोग इसके रैपर्स भी नीचे नहीं लेते थे। सो गाइस, दिस वाज अनदर ब्यूटीफुल ट्रैक। छोटा सा ट्रैक है, फैमिली फ्रेंड्स के लिए बहुत सही है। इट टूक अस एग्जैक्टली 2 आवर्स एज आई ऑलरेडी सेड। और ऊपर आने के बाद यहाँ पे अराउंड 10 to 12 केव्स है, वेरी स्पेशियस। मतलब अगर 10-12 केव्स एक साथ अगर उसका एरिया काउंट करें तो 100 लोग भी आराम से सो सकते हैं इसके बीच अंदर, इतने बड़े केव्स है। देन देर आर 2 or 3 वाटर सिस्टम्स। अभी तो उसमें जो पानी है वो पीने लायक नहीं दिखा, पूरा अलगी है उसमें, बट देन ऊपर से ऐसा वाटरफॉल है तो ज़रूरत भी क्या है। अच्छा, वाटरफॉल मैंने दिखाया नहीं ना। सो मैंने जो अभी दिखाया था गणेश मंदिर जो है उसके एंट्रेंस में यहाँ पे बैठा हूँ अभी, एंड व्हाट आई कैन सी फ्रॉम हियर इज दिस। सो गाइज, इट्स टाइम टू से गुड बाय टू गणपति गड़द केव्स। बहुत सही प्लेस है, इट्स अ मस्ट विजिट, स्पेशली इन मानसून, इट्स अ रियली रियली मस्ट विजिट। अभी होपफुली 1.5-2 घंटे में नीचे पहुँचेंगे, एंड देन 70-odd kilometers ऑफ ड्राइव एक्टिवा लेके। चलो नीचे चलते चलते बातें होती रहेंगी। सो वाइल कमिंग बैक, जो ट्रैक का पार्ट था वो 45 मिनट्स में कवर हो गया है, जिसको जाते वक्त अराउंड 1.5 घंटा लगा था। हाफ टाइम में 45 मिनट्स में ट्रैक इज़ ओवर, एंड नाउ दिस नेवर एंडिंग फ्लैट ट्रेल। तकरीबन 2 किलोमीटर आते वक्त आधा घंटा लगा था, अब जाते वक्त भी कम नहीं लगने वाला क्योंकि फ्लैट है, उतना ही टाइम लगेगा। आई ट्राई टू शो यू द एंटायर रेंज फ्रॉम हियर। देयर वी हैड गॉन गणपति गड़द केव्स, जो है एग्जैक्टली ये जो अभी सामने पेड़ है ना, इसके एग्जैक्टली पीछे है, अभी थोड़ा छुप गया है, वहाँ पे हम गए थे। नाउ इफ़ यू सी टूवर्ड्स माई लेफ्ट, वहाँ पे जो एकदम पीछे वाला पहाड़ है, दैट इज़ सिद्धगढ़ फोर्ट। उसके राइट साइड में जो ट्विन पिनाकल्स दिखते हैं, दैट इज़ गोरखगढ़ एंड मच्छिंद्रगढ़, दोनों फोर्ट्स है। देन ऑन माई राइट साइड हियर, जो सामने सबसे बड़ा दिख रहा है, दैट इज़ जीवधन। उसके लेफ्ट में वो जो पिनाकल जैसा दिख रहा है आया हुआ, दैट इज़ नाणे घाट, द एंशियंट ट्रेड रूट, कल्याण पोर्ट जो था उसको जुन्नर से, मतलब शिवनेरी से जोड़ने वाला ट्रेड रूट नाणे घाट से जाता है,
एंड दिस क्लिफ जहाँ पे जिस पत्थर में ये गणपति गढ़त केव्स बने हुए हैं, इस क्लिफ के एग्जैक्टली ऊपर पीछे तरफ है ढाकोबा फोर्ट। तो इस एक रेंज में कम से कम 6-7 फोर्ट्स और ट्रेक्स है अलग अलग। वापस पहुँच चुके हैं गांव में, सोनावले गांव। ये सामने जो घर दिख रहा है, यहाँ पे बाइक पार्क है अपनी, मतलब एक्टिवा, और यहाँ पे गए थे हम लोग। सो दैट्स ऑल अबाउट द ट्रैक। बहुत ही बढ़िया ट्रैक है, 2 घंटे वन वे। मतलब अभी 4:30 हो रहे हैं, 11:30 को हमने यहीं से स्टार्ट किया था, 4:30, सो इट्स 5 आवर्स, उसमें 1 घंटा हम लोग ऊपर रुके थे। तो एग्जैक्टली 4 घंटे का ट्रैक है टू एंड फ्रो। बहुत मज़ा आता है मॉनसून्स में, तो बहुत बढ़िया सीनरी है यहाँ से। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जितने लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उनको तो अभी तक पता चल गया होगा कि ये जो मैं सस्पेंस बढ़ा रहा हूँ रिगार्डिंग दिस पिछले ब्लॉग का शेड्यूल एंड ऑल, वो सब शेक चिल्ली है, ये तो किसी ना किसी को पता चल ही गया होगा। फिर भी इट्स टाइम टू डिस्क्लोज व्हाट हैड हैपेंड इज, मैंने डिस्क्रिप्शन वगैरह सब ऐड किया और शेड्यूल डालने से पहले मैंने पब्लिश का बटन दबा दिया, दैट्स इट। लेकिन क्या है, कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ता है। आखिर तक आपको वीडियो में लाना था, पूरा वीडियो आपने देखा उसी बहाने से। तो अगर देखा है और वो ये शिकचिल्ली का टेंशन मत लो, अगर ट्रैक पसंद आया है, ये व्यूज़ पसंद आए हैं, तो लाइक ज़रूर करिए एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज हुएवर यू वॉन्ट टू डू दिस ट्रैक विथ। ऑल्सो इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आर चैनल येट, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो फिर मिलेंगे अगले हफ्ते, अगले संडे 2 बजे, किसी नए ट्रैक, नए राइड या किसी नए एक्सपीरियंस के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी। कीप काउंटिंग किलोमीटर्स।